संदीपन घाट थाना क्षेत्र के हररायपुर मोहद्दीनपुर में ससुर बेटी और दामाद की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक बेटी गर्भवती भी थी। तीन की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कई घरों में आगजनी कर दी। घटना की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले को कंट्रोल में करने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि स्थिति को पूर्ण रूप से कंट्रोल में कर लिया गया है। हत्या किसने क्यों की है इसकी जांच की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। क्या बात थी कि आपकी इसलिए हत्या की गई है? जान जमीन के बारे में मुकदमा चल रहा था, उसके बाद 3 लाख पुलिस ने विनोद कर ले लिया। उसने रात के मर्डरती गोली से 3 जान मरवा दी। रमवा उसने एक नन्नू के घर के जो ठाकुर किए थे, लेकिन जांच के पुलिस चली जाती रही है, नहीं देख के चले जाए। ये ग्राम मोहद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं, वो घर से फरार हैं। हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी जमीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पर ये गाँव चकबंदी में है और यहाँ पर जो अभी तक जाँच जो है प्राथमिक तौर पर ही करी जा रही है और मौखिक तौर पर ही की जा रही है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मृतक पक्ष है उन्होंने किन्हीं और सज्जन जिनका यहाँ पर पट्टा था उनसे ये ज़मीन एग्रीमेंट कराई थी और उस एग्रीमेंट के आधार पे आप यहाँ पर वासित थे और इनका एक वाद सिविल कोर्ट में चल रहा था, जो कि अभी बताया गया है कि जो जिनके नाम एग्रीमेंट टू सेल था उन्होंने यहाँ पे ग्राम सभा के खिलाफ किया हुआ था और उसमें कार्रवाई चल रही थी। तो यह जमीन विवाद के सामने आने की बात आई है। तो अभी जो डिटेल में जो जांच करेंगे, रिकॉर्ड को परखेंगे, तब आगे बातें आएंगी। यहाँ पर सुबह सूचना मिली कि एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस मौके इस सूचना पर पुलिस तुरंत पहुँची, SP साहब भी मौके पर आए। यहाँ पे देखा गया कि 3 लोगों को गोली लगी है और उनको घटनास्थल का विजिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोग एग्रेशन में काफ़ी थे, उनको समझा बुझा करके डेड बॉडी PM के लिए भेजी गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।